हेलो दोस्तों, मैं आपका पुष्य भैया, सभी दोस्तों को जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम वर्क एंड टाइम से जो एक संबंधित प्रश्न है, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम में ये प्रश्न दिखाई देता है। हर एग्जाम में यह प्रश्न दिखाई देता है, जो आपने सुना होगा, बारी बारी वाला। बारी जो ए पहले कार्य करता है, फिर बी का नंबर आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, मतलब बारी बारी से जो काम करते हैं, उसी से संबंधित हम एक प्रश्न लेकर आए हैं। और बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है दोस्तों? तो बहुत ही गौर से और ध्यान से देखिएगा। अगर ये प्रश्न अगर आपको अच्छा लगता है, तो आगे यार दोस्तों को जो जो के भाई या बहन कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सेंड कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों? प्रश्न क्या है, प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। और बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। भाई, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। वे बारी बारी से काम करते हैं। बारी बारी का मतलब है बहुत ही क्रम के साथ कार्य करते हैं। पहले ए कर रहा है या बी कर रहा है, वो प्रश्न में दे रखा हुआ। वे बारी बारी से काम करते हैं और कार्य ए शुरू करे, मतलब यह है कि पहले ए कार्य करता है, फिर भी करता है, फिर ए करता है, फिर भी करता है, ठीक है दोस्तों? तो कार्य कितने दिनों में होगा? ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, और वे बारी बारी से काम करते हैं, तो कार्य ए शुरू करे। अच्छा हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। कार्य कौन शुरू कर रहा है? ए, इसका ध्यान रखना। कार्य ए शुरू करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में, ठीक है? इसकी जो टोटल काम होगा, एलसीएम, वही तो टोटल होता है, तो 60 आ गया। तो जो ए की कार्य करने की क्षमता है वो है 5। भाई, 12 का 60 से डिवाइड कर दो, 12 का 60 में डिवाइड कर दो, तो ये 5 जाएगा। और 15 का 60 में करेंगे तो ये जाएगा 4, ठीक है? अब हमारे पास काम है 60। कितना काम है? 60। अच्छा, पहले ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तो इसका मतलब यह है कि पहले दिन का काम 5 और दूसरे दिन का काम 4, तो 2 दिन का काम कितना हो गया भैया? तो 2 दिन का काम हो गया 9। काम 9 काम ही तो हो गया, और काम कितना है हमारा? 60। अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 54 काम हो जाएगा। इसी मतलब इसी सीक्वेंस के साथ करेंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, तो इसका मतलब 12 दिन में हमारा 54 काम हो गया, ठीक है? अब 12 दिन हो गए, अब फिर ए का काम स्टार्ट होगा, तो 1 दिन और वो ए काम कर जाएगा, तो 1 दिन में काम कितना कर जाएगा? ए वाली की रेंज कितनी है, क्षमता कितनी है? 5। तो मतलब 13 दिन में काम हो गया हमारा 59, ठीक है? अब काम कितने कितना रह गया है? 1। तो 13 दिन तो पूरे हो चुके हैं। भाई, प्रश्न ये, कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो 13 दिन तो पूरे हो चुके हैं। अब आता है 14वें दिन का नंबर। लेकिन 14वें दिन में के लिए हमारा काम कितना रह गया है? 1। कितना रह गया है? 1। और करेगा इसे कौन? बी। और बी की क्षमता कितनी है? 4। तो 14वें दिन कितना काम होगा? 1/4। और 13 दिन तो टोटल हो चुके हैं, तो कार्य हमारा 13 सही 1/4 दिन में कार्य समाप्त होगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? ए की 12, ए 12 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, टोटल काम हो गया 60। अब 12 जो ए की जो क्षमता है वो 5 है, और बी की क्षमता हो गई 4। अब 2 दिन का, पहले 2 दिन का निकालो, 2 दिन का काम हो गया हमारा 9, 2 दिन का कार्य कितना हो गया? 9। और हमको कार्य करना है 60, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो 6 9 54, 54 काम हो गया, तो 6 का इसमें कर लिया, तो 6 का इसमें कर लिया, तो 12 दिन में हमारा काम समाप्त हो रहा है 54। 12 दिन में कितना समाप्त हो रहा है? 54। अब 12 के बाद ए का नंबर फिर आएगा 13वें दिन, तो 13वें दिन 1 दिन और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 और 5। जब 13वें दिन ए की क्षमता 5 है, तो 5 और कर देगा तो 59 काम हो जाएगा, तो 13 दिन तो टोटल पूरा हो गया। अब आता है 14वें का, लेकिन 14वां पूरा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन काम कितना रह गया है? 1। करेगा और बी करेगा, और बी की कार्य क्षमता है 4, तो 4/1/4 हो जाएगी, और 13 दिन तो काम हो चुका है, ठीक है? इस प्रकार के अक्सर हमें क्वेश्चन
एग्जाम में दिखाई देते हैं, कभी बी शुरू करता है तो आप मतलब बी के हिसाब से करें, ए कार्य कर रहा है तो ए के हिसाब से करें, ठीक है दोस्तों, बी करेगा तो फिर बी के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन ये प्रश्न हमें हर एग्जाम में ये दिखाई देने के लिए आता है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर सबसे ज्यादा करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।